हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेशन टेक लैब। टुडे वी आर गोइंग टू मेक डुअल एक्सिस सोलार ट्रैकर। सो इसमें क्या होगा, हमारा जो सोलार पैनल होगा वो जहाँ भी सनलाइट होगी उसके अकॉर्डिंगली मूव करेगा। तो उसके बनाने के लिए सबसे पहले हम आर्डिनो ले लेते हैं, एंड आफ्टर दिस हम एक ब्रेडबोर्ड ले ले ब्रेडबोर्ड का नेगेटिव है, वहाँ पे हम नेगेटिव से ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं आर्डिनो का। और कलर हम चेंज कर सकते हैं वायर्स के, ब्लैक दे देते हैं नेगेटिव के लिए। और सिमिलरली ऊपर भी ब्रेडबोर्ड पर सेम कनेक्शंस कर देते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, एंड इसके बाद हम लोग सर्च करेंगे एलडीआर के लिए। हमें 4 एलडीआर की रिक्वायरमेंट होगी, 2 एक साइड के लिए और 2 अलग साइड के लिए। मींस एक्स एक्सिस के लिए 2 एलडीआर एंड वाई एक्सिस के लिए 2 एलडीआर, ताकि हमारा जो सोलार पैनल है वो मूव कर पाए अप डाउन एंड लेफ्ट राइट। एंड इसके बाद हम इसे अरेंज करके हमें रेजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो रेजिस्टर्स ले लेंगे 4 और उसे अरेंज करेंगे। एंड एक साइड पे हम लोग इसको पहले तो पावर नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे और एक साइड पे हम लोग इसको पावर से कनेक्ट कर देंगे, 0 से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही चारों हमारे जो एलडीआर हैं उन्हें हम कनेक्ट कर देंगे अलग अलग एनालॉग पिंस के साथ। और एक सोलार भी हम ले लेते हैं, सोलार पैनल, इसे हम यहाँ सेट कर लेते हैं। और हमारा जो 2 एलडीआर होगा वो एक्स एक्सिस के लिए होंगे और 2 जो बचे हुए हैं वो हमारे वाई एक्सिस को रोटेट करवाएंगे। ओके, तो हम इस तरीके से सारे कनेक्शन कर देते हैं और इन जो बचे हुए 2 हैं उन्हें हम डिफरेंट कलर दे देंगे। ओके, अभी हम उसे A1 से कनेक्ट कर देते हैं, एंड आफ्टर दिस हम 4th वाले एलडीआर को कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, ओके, देन हम A2 से कनेक्ट कर देते हैं, एंड इसके बाद हम लोग इसे अरेंज कर देते हैं। एंड अब हम सर्च कर लेते हैं हमारे सर्वो मोटर के लिए, बिकॉज सर्वो मोटर की हेल्प से ही हमारा जो सोलार पैनल है वो मूव करेगा। इसे अरेंज करके रख लेते हैं, ओके, लाइक दिस। और इनके कनेक्शंस कर देते हैं, इसके जो ग्राउंड है उसको हम ग्राउंड कर देंगे, इसकी जो पावर पिन है उसे पावर पिन से कनेक्ट कर देंगे हम। तो सबसे पहले हम कनेक्ट कर देते हैं हमारे फर्स्ट वाली सर्वो मोटर को ग्राउंड को, एंड देन हम कनेक्ट करेंगे पावर पिन को पावर पिन के साथ। सो या एंड हियर, ओके, इसे हम रेड कलर कर देते हैं एज पर द पावर। एंड उसके बाद हम जो सेकंड सर्वो मोटर है उसके कनेक्शन कर देते हैं, इसके पावर पिन को हम अगेन 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं, एंड इसके ग्राउंड को हम ग्राउंड कर देंगे। और जो एक एक पिन बचेंगी वो डिजिटल आउटपुट पिन होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी सर्वो मोटर है वहाँ से डिजिटल आउटपुट लेगी और फिर मूव करेंगी ऐसे। आप किसी भी डिजिटल पिन पर कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप डिजिटल पिन ले रहे हैं वही डिजिटल पिन आपको आपके कोड में लिखना होगी। ओके, डन। सो अभी तो हमारा जो कनेक्शन है वो हो चुके हैं कंप्लीट, और यहाँ पे हमने कोड ऑलरेडी लिख रखा है जिसको हम कॉपी कर लेते हैं और कोड सेक्शन में जाके एक सेकेंड ब्लॉक्स एंड टेक्स्ट, एंड यहाँ पर जाके कंटिन्यू कर दीजिए और ये वाला जो कोड है उसे आप हटा दीजिए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए, और अपना जो कोड हमने अभी वहाँ से पेस्ट किया है और जो कोड अभी हमने वहाँ से कॉपी किया है उसे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, आप देख सकते हैं कोड हमने कैसे किया है, लेफ्ट राइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके मूवमेंट के लिए हमने कंडीशंस डाल दी हैं, टेस्ट 9। ओके, देख लीजिए, अब हम इसे एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो इसे स्टार्ट कर देते हैं, तो आप देख लो हमने जैसे हमारे इस एलडीआर पर हमने क्लिक किया है तो हमारी जो सर्वो मोटर है वो मूव करने लग गई है, और यहाँ करा है तो हमारी सेकंड वाली सर्वो मोटर जो है वो मूव करने लग गई है, ये देख सकते हैं आप ऐसे, एंड उस वे में वो मूव करेंगे।
सिमिलरली जब हम सेकेंड या फर्स्ट वाली पर जाते हैं लेयर पर, तो हमारी फर्स्ट वाली जो है मूव करेगी। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।